हेलो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं, जैसे इसका एज क्राइटेरिया क्या है, हाइट क्या रखा गया है, रेस कितना होना है, लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ए टू जेड मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी किस चीज़ का है। तो वैकेंसी आपका एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल का है, जिसमें पद जो है वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का है और साथ में टेली प्रिंटर ऑपरेटर का है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो 8 जुलाई यानी आज के डेट में स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई रखा गया है। यदि फ्रेंड्स आप ऑफलाइन मोड में इसका पेमेंट करते हो तो 29 जुलाई रखा गया है और ऑनलाइन मोड में इसका पेमेंट करते हो तो 30 जुलाई यहां पे रखा गया है। वहीं फ्रेंड्स, यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार का आपका मिस्टेक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप इस सुधार भी कर सकते हो 2 अगस्त को, और इसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो अक्टूबर में होना तय है। चलिए फ्रेंड्स, आगे नोटिफिकेशन को देखते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये लेवल किस लेवल का जॉब है। तो लेवल 4 का जॉब है और मिनिमम सैलरी की बात कर लें तो 25,500 आपका मिनिमम सैलरी होगा, मैक्सिमम आपका 81,100 आपका मैक्सिमम सैलरी रहेगा। वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो हेड कांस्टेबल के अंदर आपका मेल कैटेगरी में टोटल जो है वो 573 पद है, जहाँ पर ओपन कैटेगरी रिटायर्ड सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल 3 कैटेगरी में आपका पोस्ट वाइज वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, फीमेल कैटेगरी के अंदर भी आप देख पा होंगे यहां पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है ओपन कैटेगरी के अंदर और डिपार्टमेंटल कैटेगरी के अंदर। यहां पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में 96 है, ईडब्ल्यूएस में 26 है, ओबीसी में 57 है, एससी का 47 है, एसटी का 30 है और टोटल जो है वो 256 है और सब मिलाकर के जो है वो 284 सीट यहां पे मौजूद है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की एज क्या है। तो एज जो है आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 वर्ष होना चाहिए। 1/7/2022 को आपका मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 1/7/2022 को यानी कि 1 जुलाई 2022 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में होना चाहिए। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हालांकि यहाँ छूट का भी प्रावधान है, यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम आपका प्लस टू रखा गया है, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपका इंटरमीडिएट जो है वो साइंस से पास होना चाहिए, ठीक है। आर्ट्स या फिर कॉमर्स के बंदे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, साइंस वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन इसमें से भी एक कंडीशन है, आपका जो साइंस है वो उसमें से एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो दूसरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंप्यूटर में 2 प्रकार का यहाँ पर टेस्ट होगा। पहला टेस्ट के अंदर आपका 1000 की जो है कि 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में मांगा गया है और दूसरा आपको बोला गया है कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, मतलब ये आपको आना चाहिए, और साथ में यहाँ पे आपको प्रिंटिंग करना, एमएस ऑफिस यूज़ करना, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइपिंग टेस्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग, ये सब आपका जो है वो आना चाहिए। और ध्यान रहे आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। फी पेमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो फी आपको जो है वो 100 रुपया पे करना होगा। वहीं यदि आप वीमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी से या फिर रिटायर्ड सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फी कैसे पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर मास्टर कार्ड के माध्यम से या भीम यूपीआई के माध्यम से आप फी जो है वो पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 4 स्टेप में सिलेक्शन होगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद दूसरा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस के अंदर, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद आपका चौथा टेस्ट के अंदर 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में मांगा जाएगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि पीसी को ओपन करना, बंद करना, प्रिंटिंग करना, एमएस ऑफिस का यूज़ करना, सेविंग और मॉडिफिकेशन करना, और साथ में पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग करना, ये सब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बात करते हैं सिलेबस फ्रेंड्स, तो सिलेबस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 मार्क्स के अंदर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का, जनरल साइंस का पेपर होगा 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स के अंदर आपका 25 क्वेश्चन का होगा और यहाँ पे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग के अंदर आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, वहीं कंप्यूटर से आपका जो है वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से फ्रेंड्स टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का टोटल जो है वो होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोट में कह दिया है कि द लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 12th लेवल, ठीक है, 12th लेवल का आपका ये जो पेपर होगा वो 12th लेवल का होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट का सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है जिसका एज अप टू 30 है, ठीक है, 30 साल तक का है। उसका 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में मांगा गया है, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट। वहीं जिसका एज जो है वो 30 से 40 साल के बीच में है उसके लिए 1600 मीटर का रनिंग 8 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप 11.5 फीट, हाई जंप 1/4 फीट। वहीं जिसका एज जो है वो अबव 40 ईयर्स है उसके लिए 1600 मीटर का रनिंग जो है वो 9 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप जो है वो 10.5 फीट होगा और हाई जंप जो है वो 3 फीट रखा गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिसका एज फ्रेंड्स अप टू 30 है, 30 साल के पहले हैं, उनका 800 मीटर का रेस होगा 5 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप 9 फीट मांगा गया है, हाई जंप 3 फीट मांगा गया है। और ये जो है वो 30 जिनका एज 30 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है, 800 मीटर का रनिंग 6 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप 8 फीट मांगा गया है, हाई जंप जो है वो 2.5 फीट जो है वो मांगा गया है। वहीं जिसका एज जो है वो 40 प्लस है फ्रेंड्स, रेस जो है वो 7 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप जो है वो 7 फीट में, हाई जंप जो है वो 2.25 फीट जो है वो पूरा करना है। देखो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे भाई 30 से 40 वर्ष के कौन बंदे होंगे, 40 प्लस कौन बंदे होंगे, तो यहाँ पे देखो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरा नंबर 10 के अंदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ये बोल रहे हैं कि भाई अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 40 वर्ष तक ये लोग भर सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस जो कि ओबीसी के हैं वो 43 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस SC ST जो कि फ्रेंड्स 45 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वीमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो यहाँ पे विडोज जो कि विधवा है उनके लिए जो है वो 35 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे एज क्राइटेरिया के अंदर देखा गया है फ्रेंड्स कि 30 से 40 वर्ष के लिए इतना हाइट क्राइटेरिया रखा गया है, इतना आपका जो है लॉन्ग जंप और हाई जंप रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वो जो 30 से लेकर के 40 साल और 40 साल से ऊपर रखा गया है वो बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। वो वैसे कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो है, बट जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके लिए आपका जो है वो 30 वर्ष से कम होगा। और जो पहला नंबर पर आप देखें फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पहले नंबर पे आपने देखा फ्रेंड्स, ये सारा क्राइटेरिया ऑर्डिनरी पीपल के लिए है, बाकी ये जो दूसरा क्राइटेरिया है और तीसरा क्राइटेरिया है ये ऑलरेडी जो दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको हाइट बता देता हूँ कि भाई हाइट जो है वो कितना है इस जॉब के लिए। तो भाई इसके लिए मिनिमम हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, बट आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको गढ़वालीस होना चाहिए, कुमायूस होना चाहिए, या गोरखा या डोगरास मराठास, या फिर जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख इत्यादि क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, तो आपको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, मतलब 165 सेंटीमीटर के भी आप हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। वहीं फ्रेंड्स आपका चेस्ट के अंदर जो है वो मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर मांगा गया है बिना फुलाए हुए, और फुला करके 4 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए, मतलब आपका जो है वो 85 सेंटीमीटर तक हो जाना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो फीमेल कैटेगरी के अंदर हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर मिनिमम रखा गया है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, मतलब आप 152 में सिलेक्ट हो सकते हो यदि गर्ल कैंडिडेट हो तो। लेकिन आपके लिए जो है वो गढ़वालीस होना चाहिए, कुमायूस होना चाहिए, गोरखास होना चाहिए, या फिर डोगरा मराठा, या फिर फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र से बिलोंग करना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, आप समझ पाए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।